विदिशा के सिरोंज से दो विदेशी पुलिस के हत्थे आए हैं। इनका ज्वेलरी की दुकान पर पैसों के लेन देन पर विवाद हुआ, नकदी चोरी करने का भी मामला सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए विदेशियों में एक 52 वर्षीय व्यक्ति और एक महिला भी शामिल है। उनके पास ईरान का पासपोर्ट भी मिला है। उनको भारत का वीजा 26 जून को जारी हुआ था। दोनों की भूमिका संदिग्ध होने पर गिरफ्तार किया गया। वहीं दुकानदार ने बताया कि महिला पुरुष के साथ दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरम सोनी। सुनी जी, ये क्या मामला हुआ है आपकी दुकान पर, क्या घटना है पूरी बताइए जरा। कल ये दोनों मेरे दुकान पे आए, अंगूठे के भाड़े से आए थे मेरे दुकान पर, तो मैंने उनको अंगूठी दिखाई तो अंगूठी थी 400 रुपये की। इनने मुझे मतलब अपने 200 रुपये का नोट दिया। मैंने इशारे से बताया 200 के लिए 400 रुपये की है। हिंदी फूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे ये लोग। तो इसके बाद इनने मुझसे बोला कि 200 नोट है, बड़ा नोट आता है क्या? मैं सर बाहर के आदमी कोई मुझे है नहीं, छोटे सामान थे नहीं। तो मैंने उनको, मेरे पास 48,000 रुपये रखे थे मेरे पास, मतलब 500 नोट थे। मैंने उनको निकाल के दिखाए, उनने जो आदमी था मेरे साथ जो इनके साथ मेरे हाथ में से लेके भाग, मतलब भागी आया वो छुड़ा के, वो ऑलरेडी से भागी उसके पीछे। तो मैंने बोला, मुझे एकदम सुन कर दी आँख मेरी और एकदम गए। तो मैंने बोला चोर 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 चोर, तभी रस्ते में इनको मतलब जनता ने पकड़ा। अच्छा, तो आपकी किस नाम से ये दुकान? गणेश ज्वेलर्स के नाम से। ये बाहर के थे? बाहर के, यहाँ बाहर के विदेश के लोग। कौन कौन थी? महिला भी थी कोई? एक महिला और एक जेंट्स, दो ही लोग थे बस। दो ही लोग थे और एक गाड़ी थी इंडिका, इनके पास इंडिका आगे खड़ी हुई थी। हाँ। तो उसमें बैठने वाली थी, तो इसको पकड़ लिया। इंडिका गाड़ी फंस गई है। पुलिस ने क्या करा? आपने सूचना दी? पुलिस ने ना तो हमारी FIR लिखी, नाम लिखते हैं वो लिख लिया, विदेशी आदमी का नहीं लिखाता है, तो ये बोल दिया पुलिस वालों ने। उसको कोई, उनपे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? कार्रवाई नहीं हुई उन पर। तो आप कोई सामान तो नहीं गए फिर? सामान 48,000 रुपये गए हमारे। हाँ, चले गए। हाँ, एक अंगूठी गई है, वो वापस नहीं मिली आपको? थाने में भी उसके कपड़े में धराई थी, कपड़े निकल गए, कपड़े में से अंगूठी निकली थी वहाँ पे। वो पैसे? पैसे नहीं निकले उनके, पैसे निकले नहीं निकले आपको पता नहीं, आपको हटा दिया था वहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पुलिस कुछ बता, पुलिस भी वहीं पे, पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है क्या? भाषा समझ नहीं आ रही पुलिस को किसी की। ठीक। दुकानदार के अनुसार उक्त दोनों पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। ASP समीर यादव ने घटना की पुष्टि की तथा दोनों को विदिशा लाया गया और टीम द्वारा बारीकी से पूछताछ की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस और अन्य एजेंसियों से भी सहयोग लेंगे। क्या मामला है पूरा? कल शाम को सिरोंज थाने में ये सूचना आई थी कि एक ज्वेलर शॉप में दो व्यक्ति हैं जो आए हुए हैं और वो एक गिफ्ट लेना चाह रहे थे और गिफ्ट पर जो पैसे के लेन देन पर से विवाद हुआ है और वो चोरी करके जा रहे थे, उनको पकड़ लिया गया। इस सूचना पर सिरोंज पुलिस वहाँ गई थी, जहाँ पर दो व्यक्ति मिले जिसमें से एक मेल है, लगभग 51 वर्ष की आयु है, और दूसरी उसकी महिला है, लगभग 50 वर्ष की आयु की। इनसे जब तलाशी ली गई, सर्चिंग की गई, तो ये इनके पास से एक पासपोर्ट मिला है। पासपोर्ट में ये ईरानी सिटीजन दर्शाए जा रहे हैं और इनके पास 26 जून से वीज़ा है इंडिया में आने का, और उसके बाद 1 महीने के लिए वीज़ा था। तो प्राथमिक रूप से ऐसा लगता है कि वीज़ा की अवधि का वायलेशन हो चुका है। इनसे अन्य जानकारी ली गई कि ये कहाँ आए थे, कहाँ जाना चाह रहे थे और सिरोंज में क्यों रुके थे। इस संबंध में चूँकि इनको केवल फारसी लैंग्वेज आती है, इस आधार पर उनसे दुभाषिये के माध्यम से हम पूछताछ कर रहे हैं और उनके द्वारा दी गई जानकारियों को हम सत्यापित कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमने, चूँकि इनके पासपोर्ट का मसला है, तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट को और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को हमने ये जानकारी दे दी है और साथ ही ईरानी एम्बेसी को भी हमने सूचना दी है, ताकि इनके संबंध में जो भी जानकारी है उसको हम वेरीफाई कर लें और यदि किसी प्रकार से वैधानिक रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तो वो भी हम कार्रवाई कर सकें। घटनाक्रम के बारे में जो भी बताया जा रहा है, उनके फैक्ट्स को जाँच की जा रही है, जाँच में जो तथ्य आएंगे उसके मुताबिक इसमें कार्रवाई की जाएगी। भोपाल ले जाएंगे? अभी तो फिलहाल यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं, आवश्यकता होगी तो अन्य एजेंसीज के माध्यम से भी हम इसको वेरीफाई करेंगे। चोरी को लेकर बात आ रही है? चोरी की प्राथमिक रूप से सूचना दी गई थी, उसको भी हम देख रहे हैं कि उसमें वास्तविक रूप से चोरी का घटनाक्रम है या किसी प्रकार से अन्य प्रकार का बड़े अपराध वगैरह, ऐसी कोई जानकारी देश विदेश वाला कोई मामला नहीं? ये अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। थैंक यू।
नहीं अभी हाँ विदिशा में हम ला करके एक इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई है, उसके माध्यम से पूछताछ की जाए। बता दें कल रात सिरोंज के एक ज्वेलरी की दुकान पर दो विदेशी जिसमें एक महिला और एक पुरुष पहुंचे, दोनों के साथ दो अन्य व्यक्ति भी साथ होने की बात दुकानदार ने कही है। सामान खरीदने को लेकर विवाद की स्थिति बनी, साथ मौजूद दो अन्य लोग दुकानदार के रुपए लेकर वहां से भाग खड़े हो गए। महिला और एक पुरुष को लोगों ने पकड़ लिया, जिन्हें पुलिस के हवाले कर इस पूरे मामले में ASP समीर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों विदेशी के पास ईरान का पासपोर्ट है, उन्हें फारसी के अलावा कोई और भाषा नहीं आती। द्विभाषीय की मदद से उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोनों को विदिशा लाकर टीम बनाकर जांच कराई जा रही है, अन्य एजेंसियों से भी मदद लेने की बात उन्होंने कही है। विदिशा पठारी से हमारी रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज।